आ गया है हमारे पास सोनी प्ले स्टेशन ड्यूल सेंस कंट्रोलर। तो आज हम करेंगे इसे अनबॉक्स और इसे कनेक्ट करेंगे हमारे पीसी से और थोड़ी बहुत गेम्स को प्ले करके देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट होता है और कैसे गेम्स हम इसे प्ले कर सकते हैं। तो बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग है, प्ले स्टेशन की ब्रांडिंग है और ड्यूल सेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे बड़े से इमेज के साथ हमारे ड्यूल सेंस कंट्रोलर को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पीछे भी इसके बारे में कुछ और एडिशनल फीचर्स दिखे हुए हैं, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक, एडेप्टिव ट्रिगर्स, बिल्ट इन माइक्रोफोन, सिग्नेचर कंफर्ट। तो ये तो है इसके बॉक्स पे दिए हुए एडिशनल फीचर्स। ये आ गया हमारा ड्यूल सेंस कंट्रोलर, इसकी तरफ बढ़ेंगे बाद में। देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या कंटेंट्स हैं। और तो बॉक्स अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा खाली है। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है, ये इसका यूज़र मैनुअल है, तो यहाँ पे इसे पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कैसे कंट्रोलर काम करेगा, कैसे यूज़ करना है। बट यहाँ एक डिसएडवांटेज की बात यह है कि इसके साथ में एक केबल तो देना चाहिए था जस्ट फॉर चार्जिंग और कनेक्टिंग। यहाँ पे कंपनी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसे छोड़ते हैं, बढ़ते हैं हमारे कंट्रोलर की तरफ। फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें सामने की तरफ डी पैड, अप डाउन लेफ्ट राइट डी पैड है, प्ले स्टेशन के सिग्नेचर बटन्स है, एक्स सर्कल ट्रायंगल स्क्वायर ऑप्शन बटन शेयर बटन, और ये आपका बड़ा सा टच पैड है जस्ट लाइक अ बटन। यहाँ पे बटन भी है और इसे आप एज अ टच पैड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें राइट ट्रिगर, लेफ्ट ट्रिगर, लेफ्ट बटन, राइट बटन। यहाँ पे इन ट्रिगर्स की खास बात ये है कि एडेप्टिव ट्रिगर्स है, तो इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, जैसे देखेंगे आगे चल के। तो फिलहाल तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा, बट इस एडेप्टिव ट्रिगर्स का बेनिफिट ये है कि जब हम इसे प्रेस करेंगे तो हमें एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा। उसके लिए कंपनी ने मैकेनिज्म डाला हुआ है इसी बटन के अंदर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एडिशनली यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिलता है, प्ले स्टेशन बटन, ये एक बटन है माइक को म्यूट करने का। यहाँ पे एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, तो इस बटन की मदद से हम इसे म्यूट कर पाएंगे। ये आपके लेफ्ट एनालॉग स्टिक और राइट एनालॉग स्टिक्स हैं। इन स्टिक्स के ऊपर भी एक हल्की फुल्की सी डिज़ाइन बनी हुई है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है बट यहाँ पर डिज़ाइन बनी हुई है। पीछे की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी माइक है और रीसेट बटन है। यहाँ पर इस प्ले स्टेशन कंट्रोल के बारे में सारी डिटेल्स लिखे हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको सोनी का ब्रांडिंग है और यूएसबी टाइप सी कनेक्शन पोर्ट है, तो इसी पोर्ट की मदद से आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो। तो जस्ट एक बार प्ले स्टेशन बटन दबा के देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी ब्लू लाइट LED ऑन हो गई है, मीन्स ये ऑन हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पीसी की तरफ और कनेक्ट करके देखते हैं, और चलिए जान लेते हैं इसे कनेक्ट कैसे करना है हमारे पीसी से।